हेलो दोस्तों, मैं हूँ किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म किशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को नई जगह लेके आया हूँ। और वैसे तो आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इस जगह पे तो बिल्कुल नहीं आए होंगे। असल में मरी माता आया था और पास में एक जगह के बारे में मुझे पता चला जिसे लक्ष्मण धारा कहते हैं, देख सकते हो पीछे। अभी और नज़ारा दिखाऊंगा, छोटा सा झरना है और अरपा नदी का ही पानी यहाँ से जा रहा है। अभी और आगे डिटेल्स बताऊंगा आप लोग को, पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। नई जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है और थोड़ा थोड़ा भीग गया हूँ मैं, पानी भी गिरा था आते समय और रास्ता भी काफ़ी अच्छा था अगर आप लोग आना चाहें तो। तो ये हमारा गोरला पिंडरा मरवाही ज़िले का एक और जगह हमने कंप्लीट कर लिया आज। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दिखाता हूँ आप लोग को आसपास का नज़ारा, तो बने रहिए। तो दोस्तों, लक्ष्मण धारा गोरला पिंडरा मरवाही ज़िले में स्थित है, जिसकी दूरी पिंडरा से लगभग 17 किलोमीटर, बिलासपुर से 91 और कोरबा शहर से लगभग 132 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह खुंडरी नामक जगह के पास है, खुंडरी रेलवे स्टेशन से यहाँ काफ़ी पास में स्थित है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा। बरसात के दिनों में दोस्तों यहाँ काफ़ी पानी होता है, जिससे सिर्फ बाइक के द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हो। सामान्य दिनों में आप कार के द्वारा भी यहाँ तक आ सकते हो। यह लक्ष्मण धारा दोस्तों गोरला पिंडरा मरवाही ज़िले का एक फेमस पिकनिक स्पॉट है और इसमें जो पानी है वह अरपा नदी के एक हिस्से का पानी है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ कोई बहुत बड़ा झरना नहीं बनता है, लेकिन जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है और आसपास के यहाँ के लोग बहुत ही यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। मतलब ये एक ही वो पिकनिक स्पॉट है जहाँ ये इस तरफ के आसपास के लोग आते होंगे, और अगर आप लोग भी कभी आना चाहो तो ज़रूर आना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और छोटा झरना भी बनता है, मैं आगे दिखाता हूँ आप लोग को। बरसात के दिनों में दोस्तों इस लक्ष्मण धारा में काफ़ी पानी होता है, नवंबर महीने के आते आते तक इसमें पानी कम हो जाता है, इससे यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ उमड़ती है। फरवरी के समय तक दोस्तों यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। और ये देख सकते हो दोस्तों, वन परिक्षेत्र द्वारा एक छोटा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनवा दिया गया है। अधिकांश पिकनिक स्पॉट्स में ऐसा ही होता है, जब आप उस पिकनिक स्पॉट में पहुँचते हो तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। हालांकि जो अप्रोच रोड होता है वो इतना ख़राब होता है कि आप वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर भी ये जगह वर्क करती है। अगर आप लोग आना चाहें तो खूबसूरत जगह है, आसपास रहते हो तो ज़रूर आना। तो बस दोस्तों, अब निकलने वाले हैं हम लोग लक्ष्मण धारा से। बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, मज़ा आ गया घूम के। आप लोग को मौका मिलेगा तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा यहाँ लक्ष्मण धारा में पिकनिक मनाने के लिए या सिर्फ घूमने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे रोडीज आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।